हेलो एंड वेलकम दोस्तों, उन्नति कंपटीशन क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का फिर से एक बार हार्दिक स्वागत है। फ्रेंड, आज के इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा 41+ के क्वेश्चंस की, और इसमें भी कवर होंगे आपके टोटल 40 क्वेश्चन। वीडियो की लेंथ 12 से 15 मिनट के बीच में रहेगी, और विदाउट एनी डिले शुरू करता हूँ आज का अपना ये वीडियो। और वीडियो शुरू करने से पहले बस केवल वही कहना चाहूँगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब छोटी सी फॉर्मेलिटी आप चाहें तो पूरी कर सकते हैं। तो देखते हैं आज का अपना ये वीडियो। 40 तक हमारे कंप्लीट हो चुके थे और ये हमारा 41। वह रोमन सम्राट अगस्टम की भांति सावधान था कि वह दूसरों की तरह शक्तिशाली न लगे और वह दूसरों के स्तर से अधिक न लगे। यह संदर्भ किसका है? बाबर, इब्राहिम लोदी, बहलोल लोदी या फिर जलालुद्दीन खिलजी? 41 का राइट आंसर होगा आपका सी, बहलोल लोदी। अगला क्वेश्चन है 42। अल बरूनी किसके शासनकाल में इतिहासकार था? महमूद गजनवी, बलबन, अकबर, मोहम्मद बिन तुगलक? 42 राइट आंसर ए, महमूद गजनवी। 43 है आपका, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ मिलान करना है, और इसके चार ऑप्शन है आपके सामने, ये रहे। ठीक है, तो आप देखिए और दीजिए अपना राइट आंसर 43 का। तो 43 का जो राइट आंसर बनेगा वो बनेगा आपका ए, 2, 4, 1, 3। क्वेश्चन नंबर 44। कौन सा शासक दास या गुलाम राजवंश से संबंधित है? इल्तुतमिश, हुमायूं, अकबर, शाहजहां? तो 44 राइट आंसर क्या होगा इसका? तो इसका राइट आंसर होगा आपका ए, इल्तुतमिश। अगला है क्वेश्चन नंबर 45। दक्षिण अफ्रीका यात्री इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? हुमायूं, अकबर, मोहम्मद बिन तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी? 45 राइट आंसर होगा इसका सी, मोहम्मद बिन तुगलक। अगला क्वेश्चन है 46 की। महमूद गजनवी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया? 12 बार, 15 बार, 17 बार, 18 बार? 46 राइट आंसर सी, 17 बार। अगला क्वेश्चन है 47। किसने अपने आप को खलीफा घोषित किया था? इल्तुतमिश, अलाउद्दीन खिलजी, महमूद गजनवी और मुबारक शाह खिलजी? 47 राइट आंसर होगा इसका आपका डी, मुबारक शाह। अगला क्वेश्चन है 49, सॉरी अगला क्वेश्चन है 48। लोधी वंश का संस्थापक कौन है? इब्राहिम लोधी, सिकंदर लोधी, बहलोल लोधी? इनमें से कोई भी नहीं। 48 राइट आंसर होगा आपका सी, बहलोल लोधी। देखिए इस वीडियो के अंत में मैं आपसे इसी में से कोई एक क्वेश्चन उठा के पूछूंगा, जैसे पिछले वीडियो में मैंने करा था, सेम कॉपी पेस्ट सेम क्वेश्चन आपसे पूछूंगा, तो आप उसका भी मुझको राइट आंसर देखेंगे। उस क्वेश्चन के माध्यम से आपको ये चलेगा पता कि आपको अभी का वीडियो कितना याद रहा, मतलब कि आपके माइंड में जो सफा फॉर्मूला है, भूलने का फॉर्मूला कितनी जल्दी अप्लाई होता है वो आपको चल जाएगा पता उस क्वेश्चन के माध्यम से। अगर आपको याद रहता है तो आपकी मेमोरी पावर बहुत अच्छी है, तो वेल डन, ऑल द बेस्ट। चलता हूँ क्वेश्चन नंबर 49 की ओर। भारतीय इतिहास में बाजार नियमों मूल्य नियंत्रण पद्धति की शुरुआत किसने की थी? शेरशाह सूरी ने, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी? 49 राइट आंसर होगा इसका आपका डी, अलाउद्दीन खिलजी। अगला क्वेश्चन है 50। राज्य संबंधों में उलेमा के दखल का विरोध किस सुल्तान ने किया था? बलबन ने, अलाउद्दीन खिलजी ने, फिरोज शाह तुगलक ने? इनमें से कोई भी नहीं। 50 है राइट आंसर बनेगा आपका बी, अलाउद्दीन खिलजी। अगला क्वेश्चन है 51। अल बरूनी द्वारा रचित पुस्तक किताब उल हिंद या तारिक उल हिंद में किन विषयों में समीक्षा की गई थी? भारतीय गणित, भारतीय इतिहास, खगोल विज्ञान? इनमें से सभी। 51 राइट आंसर डी। अगला क्वेश्चन है 52। अल बरूनी का पूरा नाम क्या था? अबू रेहान मोहम्मद, अबू अब्दुल्ला, अली गुरशाम? इनमें से कोई भी नहीं। 52 तो इसका जो राइट आंसर बनेगा वो बनेगा आपका ए, अबू रेहान मोहम्मद। अगला क्वेश्चन है 53। अल बरूनी के अनुसार अंत्यज में शामिल थे कौन?
धोबी, मोची, जादूगर, डालिया, विडाल बनाने वाला, नाविक, मछुआ, व्याध, जुला, ए और बी दोनों, या फिर ना तो ए ना तो बी। 53, तो राइट आंसर होगा इसका सी, ए और बी दोनों। अगला क्वेश्चन है 54। 11वीं सदी में भारत का दर्पण किसे कहा जाता था? किताबुल हिंद, रेहला, तारीख के यामिनी, इनमें से कोई भी नहीं। 54 राइट आंसर ए, किताब उल हिंद। वह हिंद का युद्ध 1008 से लेकर के 9 तक निम्नलिखित में से किन के बीच में लड़ा गया था? महमूद गजनवी, आनंदपाल, महमूद गजनवी, जयपाल, मोहम्मद गौरी वर्सेस पृथ्वीराज चौहान एंड मोहम्मद गौरी वर्सेस जयचंद। तो 55 राइट आंसर होगा इसका आपका ए, गजनवी वर्सेस आनंदपाल। 56 नंबर है, दिल्ली सल्तनत का वह प्रथम सुल्तान कौन था जिसने स्थायी सेना रखी? इल्तुतमिश, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक। 56 राइट आंसर होगा आपका सी, अलाउद्दीन खिलजी। सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी की बाबत के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, तीनों ही ऑप्शंस पढ़ लीजिए, इनमें से कौन सा कथन सही है। वो वीडियो को पॉज करिए, पहले पहला कथन पढ़ लीजिए, सेकंड और थर्ड रीड करिए और बताइए। 57 का राइट आंसर, 57 का जो राइट आंसर बनेगा वो बनेगा ये सभी क्या हैं, बिल्कुल राइट हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 58। दिल्ली के निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने तैमूरी शासक मिर्जा शाहरुख के अधिराज्य में आना स्वीकार किया? फिरोज तुगलक, मोहम्मद तुगलक, क्रीच खान सैयद और सिकंदर लोदी। 58 राइट आंसर होगा इसका आपका सी, क्रीच खान सैयद। 59 नंबर है कि कौन गुल रुखी के उपनाम से कविताएं लिखा करता था? इबन बतूता, जियाउद्दीन बरनी, शमसे सिराज अफीक और सिकंदर लोदी। 59 राइट आंसर होगा इसका आपका डी, सिकंदर लोदी। रजिया सुल्तान के संबंध में असत्य है, चारों ऑप्शन पढ़िए लीजिए। 10 सेकेंड, योर टाइम स्टार्ट नाउ। टाइम अप, जी हाँ टाइम समाप्त होता है, इसी स्पीड से आपको क्वेश्चंस पढ़ना है, ठीक है। अब देखिए इसमें असत्य निकालना है हमको, अगेन पढ़िए चारों ऑप्शंस, जो भी लंबी स्टेटमेंट होगी वो आप खुद पढ़ेंगे, क्योंकि मैक्सिमम कमेंट यही आते हैं कि सर जो लंबे क्वेश्चंस होते हैं हमको खुद पढ़ने की आदत होनी चाहिए, प्रैक्टिस होनी चाहिए, तो आप प्लीज़ मत पढ़ा करो। ये वो बच्चे होते हैं जो शायद मतलब कि बहुत ही डेडिकेटेड होते हैं स्टडी को लेकर के, बाकी तो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको पकी पकाई खिचड़ी चाहिए, मतलब कि उनको ना तो मैं बोलूँ, केवल ये हाईलाइट करके बॉर्डर बना के आंसर के दिखा दूँ, उनकी बल्ले बल्ले। चलिए ठीक है, हर तरह की वैरायटी के लोग होते हैं, सबका पढ़ने का तरीका अपना अलग अलग होता है, तो क्या पता उनको वैसे ही याद होता हो। नो ठीक है, पढ़िए। 67 नंबर निकालिए, इसका राइट आंसर क्या रहेगा? तो 61 का राइट आंसर है आपका डी। अगला है क्वेश्चन 63। याद रखना, स्पीड में पढ़ने के चक्कर में ना क्या सत्य नहीं है, परिणाम नहीं हुआ है, तो इन सब चीजों पे फोकस रखना खासतौर पे, ठीक है। जैसे असत्य बोला था ना, कि यहाँ पे सत्य बोला था इस क्वेश्चन में 61 में, तो आपको ये चीजें याद रखनी है, क्योंकि तो एग्जामिनेशन हॉल में जब बैठते हो ना, तो वहां पे बच्चे मैक्सिमम कंफ्यूज करते हैं अपने आपको। पूछता है सही है, वो लगाते हैं गलत है, पूछता है गलत कौन सा है तो वो लगाते हैं सही है, तो अटेम्प्ट करके आते हैं, लगता है कि पेपर अच्छा गया, तो वहीं पे आपकी नेगेटिव मार्किंग काउंट हो जाती है, तो ऐसी आपने गलती नहीं करनी है। 63 का जो राइट आंसर बनेगा, वीडियो को पॉज कर लीजिए, राइट आंसर है इसका आपका 63 का ए। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने कि तुर्कों द्वारा राजपूतों को पराजित करने के निम्न में से कौन से रीजन थे? उनके समाज का पृथकतावादी एवं अनुदार होना, असमानता पर आधारित जाति व्यवस्था, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की अवनति और भारतीयों की शांति और अहिंसा की नीति। 64 राइट आंसर होगा इसका आपका सी, 1 2 3। अगला क्वेश्चन है 65। गुलाम वंश के आरंभिक शासकों का निम्न में से कौन सा सही अनुक्रम है? कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, रजिया सुल्तान, आरम शाह। तो
तो सही क्रम में इनको लगाना है, प्रॉपर लगा लीजिए। बहुत ही इजी क्वेश्चंस है और ऐसे ही क्वेश्चंस आपके एग्जाम में एक ना पक्का पूछा जाएगा। सही क्रम लगाइए। 65 राइट आंसर होगा इसका आपका बी। अगला क्वेश्चन है, अलाई दरवाजा निम्न में से किसका मुख्य द्वार है? जमात खाना मस्जिद, सीरी, कुतुब मीनार, इनमें से कोई भी नहीं। 66 राइट आंसर है ये कुतुब मीनार। क्वेश्चन नंबर 67 हमको मिलान करना है ए बी सी डी का 1 2 3 4 के साथ में। कर लीजिए वीडियो को पॉज, निकालिए अपना राइट आंसर। 67 राइट आंसर होगा इसका आपका। कर लीजिए वीडियो को पॉज, फटाफट अटेम्प्ट करिए इसको। ए इब्राहिम लोदी के बारे में निम्न में से क्या सत्य नहीं है? देखिए सत्य नहीं है पूछा है इसने। क्रूर और निरंकुश शासक था, अफगान अमीरों के खिलाफत, महानिर्माता एवं कला का पुजारी था ये, दौलत खान ने काबुल के शासक बाबर को इब्राहिम लोदी के हराने के लिए बुलाया। 68 राइट आंसर होगा इसका आपका सी। अगला क्वेश्चन है 69, अमीर खुसरो के संबंध में निम्न में से कौन सा सत्य है? वे सूफी संत शेख निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे, वे जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के दरबारी कवि थे, उन्होंने भारतीय वाद्य यंत्र वीणा एवं ईरानी वाद्य यंत्र तंबूरा के मिश्रण से सितार का आविष्कार किया, उन्होंने ख्याल गायकी का आविष्कार किया। तो बताइए कथन कौन कौन से सही है। 69 राइट आंसर होगा इसका आपका ए 1 2 3 4। क्वेश्चन नंबर 70, दिल्ली सल्तनत के पतन के लिए निम्न में से कौन से कारण उत्तरदायी थे? दुर्बल प्रशासन, तैमूर का आक्रमण, अधिग्रहण की स्पष्ट नीति का भाव, मिश्रित संस्कृति का उदय। 70 70 का राइट आंसर है आपका ए 1 2 3। क्वेश्चन नंबर 71 है कि किसका आक्रमण भारत पर किया गया द्वितीय तुर्क आक्रमण था? महमूद गजनवी, मोहम्मद गौरी, चंगेज खां, तैमूर लंग। 71 राइट आंसर होगा इसका आपका बी मोहम्मद गौरी। मोहम्मद गौरी किस वंश का शासक था? यामिनी, संसबनी, गुलाम या फिर खिलजी। 72 राइट आंसर होगा इसका आपका बी संसबनी। मोहम्मद गौरी को किस अन्य नाम से जाना जाता है? शहाबुद्दीन, मुइजुद्दीन, मोहम्मद बिन साब, इनमें से कोई भी नहीं। 73 राइट आंसर आपका डी इनमें से कोई भी नहीं। क्वेश्चन नंबर 74, मोहम्मद गौरी ने 1175 ईस्वी में भारत का पहला आक्रमण किस राज्य के खिलाफ किया? मुल्तान, अनिलवाड़ा, पंजाब, इनमें से कोई भी नहीं। 74 राइट आंसर है इसका आपका ए मुल्तान। अगला क्वेश्चन है 75, भारत का वह पहला शासक कौन था जिसने मोहम्मद गौरी को पराजित किया? सोलंकी शासक भीम सेकंड, चौहान शासक पृथ्वीराज चौहान, गढ़ाली शासक जयचंद या फिर इनमें से कोई भी नहीं। 75 राइट आंसर होगा इसका आपका ए। अगला है क्वेश्चन नंबर 76, मोहम्मद गौरी वर्सेस पृथ्वीराज चौहान के बीच विवाद के मूल रीजन क्या था? बठिंडा, मुल्तान, उच या फिर अनहिलवाड़ा। 76 राइट आंसर है इसका आपका ए बठिंडा। अगला है क्वेश्चन नंबर 77, मोहम्मद गौरी का सर्वाधिक महत्वपूर्ण भारतीय आक्रमण था? मुल्तान पर आक्रमण, तराइन का प्रथम युद्ध, तराइन का द्वितीय युद्ध, बठिंडा पर आक्रमण। 77 राइट आंसर होगा इसका सी तराइन का द्वितीय युद्ध। मोहम्मद गौरी एवं कन्नौज के राजा जयचंद के मध्य 1194 ईस्वी में हुआ युद्ध किस नाम से प्रसिद्ध था? तराइन का प्रथम युद्ध, तराइन का सेकेंड वॉर, चंदावर का युद्ध, पानीपत का फर्स्ट वॉर। 78 राइट आंसर होगा इसका आपका सी चंदावर का युद्ध। क्वेश्चन नंबर 79, मोहम्मद गौरी का अंतिम आक्रमण किसके विरुद्ध था? करमाथी, गजनवी, सोलंकी, पंजाब के खोखर। 79 राइट आंसर होगा इसका आपका डी पंजाब के खोखर। अगला क्वेश्चन हमारे सामने 80 नंबर, तराइन का द्वितीय युद्ध ऐसा निर्णायक युद्ध समझना चाहिए जिसने भारत पर मुसलमानों की आधारशिला सफलता निश्चित कर दिया। बाद में होने वाला आक्रमण इसका परिणाम मात्र थे, यह किसका कथन था? वी ए स्मिथ, लेन पुल, ईश्वरी प्रसाद, अल बरूनी।
80, 80 राइट आंसर होगा इसका आपका ए, वी ए स्मिथ। तो फ्रेंड आज के इस वीडियो में बस केवल इतना ही, और अब मैं पूछता हूँ आपसे इस वीडियो में से ही एक क्वेश्चन। तो फ्रेंड ये है क्वेश्चन नंबर 16 जो अभी आपने इस वीडियो में देखा था। अब दे दीजिए इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके, और आपका 40 में से कितना स्कोर है वो भी आपने मुझे कमेंट करके भेजना है। तो फ्रेंड अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिएगा और शेयर करिएगा प्लीज़ इस वीडियो को व्हाट्सएप और फेसबुक के माध्यम से, और आपकी कोई भी राय कमेंट करिएगा। पढ़ाई से संबंधित अगर कोई कमेंट्स हो तो बहुत अच्छा लगेगा। अभी हाल ही में एक कमेंट्स मेरे पास और आया था कि सर आप बुक के वीडियो बनाते हैं, क्या आपको कॉपीराइट स्ट्राइक नहीं आता? देखिए कॉपीराइट स्ट्राइक जब आएगा तब आएगा, देखा जाएगा, लेकिन उससे पहले हो सके तो आप संरक्षण ले लो, इसकी चिंता मत करो कि कॉपीराइट स्ट्राइक आता है या फिर नहीं आता है। तो प्लीज़ फ्रेंड देखिए उनका क्वेश्चन भी कहना कि लॉजिकल कहना कुछ रहा होगा, क्या पता उनका यूट्यूब चैनल अपना खुद का होगा। देखिए आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता, मैं कुछ भी नहीं कह सकता, बस ये एक छोटा सा कारवा मैं लेके चला था वीडियो बनाने का, तो बस अब तक कंटिन्यू चल रहा है। बस मेरा मेन मोटो यही है कि ये वीडियो उस तक पहुंचना चाहिए जिसको इसकी आवश्यकता हो। गांव के काफ़ी सारे दूर दराज ऐसे स्थान है जहाँ पे बच्चे पढ़ना चाहते हैं लेकिन उनके पास बुक का कोई सोर्स नहीं है, ना तो उनके पास पैसे हैं बुक परचेज करने के लिए, ना ही उनके पास पास में कोई मार्केट है। तो बस छोटा सा प्रयास उन तक के लिए और उन तक इस वीडियो को बचाने इनको पहुँचाने के लिए इन सभी वीडियो को, तो प्लीज़ इस वीडियो को मैक्सिमम लाइक करिएगा और शेयर करिएगा। तो फ्रेंड अगर आपका स्कोर कम रहता है, अब बात करता हूँ उनकी जिनका स्कोर काफ़ी कम रहा है, इस 40 में से केवल अटैम्प्ट करा उन्होंने 10 या 12 या फिर 15, तो उनसे कहना चाहूँगा कि लुसेंट नीली वाली बुक को या तो सेल्फ स्टडी कर लीजिए, मार्केट से परचेज कर लीजिए, अदरवाइज उस बुक के कंप्लीट वीडियो इस चैनल पे बन चुके हैं, पूरी बुक अच्छे से खत्म हो चुकी है। जाइए प्लेलिस्ट में देखिए लुसेंट जीके की वीडियो की प्लेलिस्ट को, वहाँ पे एक एक पेजेस को इसी तरह से मैंने स्कैन कर रखा है, केवल इंपॉर्टेंट पॉइंट को मैंने हाईलाइट करवा रखा है। वीडियो देखते समय उस बुक को अपने पास में रखिए और हाईलाइट करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।